अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रजिस्टर की फंक्शनैलिटी पर काम करेंगे। तो उसके लिए हमको न्यू राउट और कंट्रोलर फंक्शन क्रिएट करना है। तो ऑलरेडी अपने पास हम एमवीसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं, तो राउट्स के अंदर क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बना देंगे और इसका नाम मैं रखता हूँ यूजर राउट डॉट जेएस। और इसमें हम क्या करेंगे, पहले शुरू एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर देंगे। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे इसको रिक्वायर कर लेंगे। तो रिक्वायर ऑफ एक्सप्रेस, एक्सप्रेस यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। इसकी मदद से राउटर हमको क्रिएट करना है, सो यहाँ पे राउटर ऑब्जेक्ट बना लेंगे। कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू, फिर एक्सप्रेस, एक्सप्रेस के अंदर हमको जो राउटर मिलता है तो इसका हम यूज कर लेंगे राउटर। और नीचे मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, एक्सपोर्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू राउटर। जैसे हमने देखिए यहाँ पर टेस्ट में किया था ना, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, अच्छा हाँ यहाँ पर एक्सपोर्ट है, ये कहाँ गया, ये रहा यूजर राउट। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू राउटर, और उसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे राउट्स बना लेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना यहाँ पे लॉगिन के लिए बना लेंगे, लॉगिन या फिर रजिस्टर के लिए कर लेते हैं। तो रजिस्टर, और इसका जो मेथड है वो रहेगा पोस्ट। यहाँ पे हम लिख लेंगे राउटर डॉट, मेथड हमारे पास है पोस्ट। उसके बाद में यूआरएल पैटर्न, इसमें हम लिखेंगे रजिस्टर, ये यूआरएल पैटर्न रहेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोलर फंक्शन बना लेंगे और उसके लिए एक न्यू फाइल बनाएंगे। पहले कंट्रोलर्स के अंदर न्यू फाइल, और इसका नाम हम रखेंगे यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस। और इसमें एक फंक्शन बना के छोड़ देंगे फिलहाल के लिए, कॉन्स्ट रजिस्टर कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन। तो एम्प्टी एरो फंक्शन हमने यहाँ पे बना लिया, नीचे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखें मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, और इसको कर्ली ब्रेसेस में हम कर लेंगे, मल्टीपल फंक्शंस भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इसीलिए हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको लिखा है रजिस्टर कंट्रोलर। तो यहाँ पर ये एक्सपोर्ट हो गया। अब यूजर राउट के अंदर हम क्या करेंगे, इसको इम्पोर्ट कर देंगे। डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखेंगे ना, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रजिस्टर कंट्रोलर, सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे फाइल ऑटोमेटिकली टॉप पर इंपोर्ट हो जाएंगी। आपके केस में नहीं हो रहा है तो मैन्युअली आप इसको इंपोर्ट करिए। तो यहाँ पर हमारा राउट का सेटअप हो गया। अब आपको इसको सर्वर डॉट जेएस की फाइल में भी इंपोर्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखिए राउट्स में टेस्ट के लिए बनाया था। तो उसी के साथ में हम क्या करेंगे, एक और न्यू राउट बना लेंगे ऐप डॉट यूज ऑफ, और यहाँ पे हम सेम नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करेंगे, एपीआई v1 स्लैश यूजर। इसके बाद में फिर रिक्वायर का इस्तेमाल कर लेंगे। सो यहाँ पे आप लिखेंगे रिक्वायर, रिक्वायर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल का पाथ दे देंगे, सो डॉट स्लैश, फिर हमारे पास है राउट्स का फोल्डर और उसके अंदर हमारे पास है यूजर राउट। तो इसका हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा इनिशियल राउट का सेटअप हो चुका है। अब हम जो है कंट्रोलर में काम कर सकते हैं। सो इस यूजर कंट्रोलर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसिंक फंक्शन बना लेंगे, ये कॉल बैक फंक्शन है इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करते हैं। और अच्छे से जो है रिस्पॉन्स और एरर को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। कैच में सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, साथ ही में रिस्पॉन्स भी सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, और उसके अंदर हम क्या करेंगे सेंड फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे और सक्सेस इसमें हम कर देंगे फॉल्स। और साथ ही में एक मैसेज ऐड कर देंगे। तो मैसेज, मैसेज में हम लिख सकते हैं जैसे कि रजिस्टर एपीआई, और उसके बाद में एरर का जो भी ऑब्जेक्ट है उसको एज इट इज यहाँ पर मैं पास करा देता हूँ। ट्राई में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमको यूजर से कुछ चीजें लेना है, जैसे कि अगर आप स्कीमा देखेंगे तो हमारे पास है यूजर नेम, ईमेल और फिर पासवर्ड। तो ये तीनों चीजें हमको चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्सेस करेंगे पहले शुरू यूजर से। कॉन्स्ट डिस्ट्रक्शन फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर नेम, फिर उसके बाद में ईमेल और फिर उसके बाद में पासवर्ड यहाँ पर यूजर से लेने वाले हैं। इसका वैलिडेशन भी देख लेंगे। सो वैलिडेशन का एक कमेंट मैंने बना लिया, इफ नॉट यूजर नेम और नॉट ईमेल और नॉट पासवर्ड, अगर ये फील्ड्स हमको एम्प्टी मिलती है ना तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक एरर मैसेज यहाँ पर रिटर्न करा देंगे। सो ये है रिटर्न रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, उसके बाद में सेंड फंक्शन, और इसमें हम क्या करेंगे पहले शुरू जो है ना सक्सेस कर देंगे फॉल्स।
उसके बाद में एक मैसेज यहाँ पर ऐड कर देंगे, जैसे कि प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड्स, ये मैसेज हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर ये सारी चीजें हमको मिल जाती हैं तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन तीनों के तीनों डेटा को जो है, यानी यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये तीनों को हमको सेव कराना है। और साथ ही में हम क्या करेंगे, इसको सेव कराने से पहले ईमेल को भी चेक कर लेंगे कि ऑलरेडी ये ईमेल एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसके लिए पहले शुरू कमेंट भी कर लेता हूँ ताकि आपको याद रहे, चेक एग्जिस्टिंग यूजर, कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूजर, उसके बाद में अवेट, और यूजर मॉडल का हमको इस्तेमाल करना है। तो आप मैन्युअली भी ऊपर इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप लिखेंगे यूजर मॉडल तो देखिए आपको सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, टॉप पे फाइल ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगी। आपके केस में नहीं हो रहा है तो आप मैन्युअली कुछ इस तरीके से उसको इंपोर्ट करिए। इसके अंदर हम क्या करेंगे, डॉट पॉइंट वन फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे, सो पॉइंट वन, और इसमें हम क्या करेंगे ईमेल के बेस पे जो है इसको फाइंड करेंगे, और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, यानी इसका भी हमको एक वैलिडेशन देखना है। इफ एग्जिस्टिंग यूजर, अगर ये एग्जिस्टिंग यूजर है तो यहीं से इसको रिटर्न कर दो विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, फिर सेंड फंक्शन। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस, अगेन फॉल्स कर देंगे, फॉल्स, और एक मैसेज यहाँ पर ऐड कर देंगे, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये मैसेज हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। और इसके बाद में अगर ये एग्जिस्टिंग यूजर नहीं है तो हम न्यू यूजर यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो सेव यूजर, कुछ इस तरीके से हमने कमेंट बना लिया। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एक न्यू वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट न्यू यूजर इक्वल टू, फिर न्यू कीवर्ड, और फिर हमारे पास है यूजर मॉडल। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और इसमें हमको क्या करना है, यूजर नेम पास कराना है, उसके बाद में ईमेल, और फिर उसके बाद में पासवर्ड। ये तीनों चीजें हम यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको सेव करा देंगे। तो अवेट करना है, अवेट के बाद में हम क्या करेंगे, न्यू यूजर को जो है सेव करा देंगे। सो डॉट सेव फंक्शन आपको यहाँ पर कॉल करना है, और साथ ही में आप रिस्पॉन्स भी सेंड कर सकते हैं, जैसे कि रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 201, यानी समथिंग हैज बीन क्रिएटेड, फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, यहाँ पे सक्सेस कर देंगे थ्रो, और एक मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, जैसे कि यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली, ये मैसेज हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। सेव कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर हमारा कंट्रोलर फंक्शन भी बनकर तैयार है। अब हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करने के लिए आपको देखिए एक तो फ्रंट एंड लगेगा, या फिर आप जो है पोस्टमैन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पोस्टमैन टूल डाउनलोड करना है, सिंपल गूगल में आप सर्च करिए पोस्टमैन टूल, पोस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, और सिंपल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, मैं इसको ओपन करके भी बता देता हूँ। साइड में हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, और अगर आपको और डीप में जानना है तो मैं एक लिंक यहाँ पर छोड़ दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है इंटरफेस नजर आएगा। अगर आप इसमें लॉग इन करेंगे तो और भी ज्यादा फंक्शनैलिटी आपको इसमें देखने मिलेंगी। हम सिंपल प्रोजेक्ट देख रहे हैं इसलिए मैंने इसमें लॉग इन नहीं किया हुआ है। चलिए पहले हम क्या कर लेंगे, एप्लीकेशन को रन भी कर देंगे साथ में। तो टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और इसमें हम क्या करेंगे, npm रन सर्वर, तो हमारा सर्वर भी यहाँ पर रन हो जाएगा। देख सकते हैं आप ये सक्सेसफुली रन हो चुका है, और डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हुआ है अभी। अब यहाँ पर देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। अब इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, कौन से API को, जो हमने यहाँ पर अभी बनाया है रजिस्टर के नाम से। तो हमारा URL एंड पॉइंट कैसे रहेगा, देखिए मेन राउट हमारे पास कहाँ तक है, API v1/user, फिर यहाँ पर सब राउट है रजिस्टर, तो इतना बड़ा हमारा एंड पॉइंट रहने वाला है। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेंगे, चलते पोस्टमैन में, और यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट का टाइप हमारा है पोस्ट, और यहाँ पे आपको इसको ऐड करना है HTTP, जैसे कि देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी रिक्वेस्ट है, तो इसी में से मैंने इसको जो है यहाँ पर ऐड कर लिया, लोकल होस्ट पोर्ट ETT API v1, फिर हमारे पास है यूजर स्लैश रजिस्टर, उसके बाद में आपको जो है बॉडी पर क्लिक करना है, फिर रॉ डेटा, और यहाँ पर टेक्स्ट के बदले आपको जो है जेसन सेलेक्ट करना है, और इसके अंदर आप जो है एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। हमारे केस में पहले शुरू है यूजर नेम, यूजर नेम हम इसका रखेंगे test1, और इसका ईमेल यहाँ पर हमको ऐड करना है, ईमेल test1@test.com। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड भी ऐड कर देंगे, पासवर्ड, और इसमें test123 मैंने पासवर्ड को ऐड कर दिया, और इसके बाद में हम जो है सेंड पर क्लिक करेंगे। अगर सब कुछ सही रहता है तो बराबर से न्यू यूजर क्रिएट होगा, नहीं तो फिर हमको एरर देखने मिलेगा। तो चलिए सेंड पर क्लिक करते हैं, तो देखिए सक्सेस ट्रू,
यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली। तो सक्सेसफुली एक यूजर यहाँ पर क्रिएट हो गया। इसको कैसे चेक करेंगे, चलते डेटाबेस में। अभी फिलहाल हमारे पास कोई भी, देखिए टू डू के नाम से नहीं है। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश। और जैसे रिफ्रेश किया तो देखिए नीचे एक यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस बन चुका है, टू डू मर्न। इस पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर देखिए हमारे पास एक कलेक्शन है यूजर्स के नाम से। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर हमारे पास आ चुका है, जिसमें बाय डिफॉल्ट तो आईडी आ जाती है। आई होप आपको बेसिक मोंगोडीबी पता होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर यूजर नेम है test1, फिर ईमेल है और फिर पासवर्ड है। उसके बाद में क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, क्योंकि हमने टाइम स्टैम्प का यूज किया था, इसीलिए जो है ये दो प्रॉपर्टी हमको एडिशनल यहाँ पर मिल जाती है। तो परफेक्टली हमारे पास रजिस्टर की फंक्शनलिटी काम कर रही है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पासवर्ड को भी हैश करने का ट्राई करेंगे। फिलहाल देखिए बेसिक है और ये विजिबल है, तो इसको भी हम लेटर जो हैश कर लेंगे। तो परफेक्टली हमारे पास रजिस्टर की फंक्शनैलिटी काम कर रही है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लॉगिन की फंक्शनैलिटी देख लेंगे। पर देखिए मॉर्गन में यहाँ पर बराबर से हमको शो करता है कौन सी रिक्वेस्ट हिट हुई है, पोस्ट रिक्वेस्ट, एपीआई V1 यूजर रजिस्टर, इसका जो स्टेटस कोड है वो यहाँ पर शो कर रहा है और कितने टाइम में ये एग्जीक्यूट हुई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉगिन के ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले एक न्यू राउट हम इसके लिए बना लेंगे और इसका नाम मैं रखता हूँ लॉगिन। इसका भी मेथड रहेगा पोस्ट। सो कमेंट हमने बना लिया ताकि लेटर हमको याद रहे हमने किस किस के लिए क्या बनाया था। तो राउटर डॉट पोस्ट, पोस्ट में हम क्या करेंगे यूआरएल यहाँ पर लिख लेंगे लॉगिन। आप चाहें तो साइन इन साइन अप भी कर सकते हैं इसका नाम। और फिर एक कंट्रोलर फंक्शन, तो कंट्रोलर फंक्शन हम यहाँ पर बना लेंगे और इसमें भी कमेंट आउट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि याद रहे। यहाँ पे हम इसको रजिस्टर कर लेंगे और नीचे वाला अब हम जो बना रहे हैं वो है लॉगिन के लिए। सो यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे इसको और एक न्यू फंक्शन एम्प्टी फंक्शन बना के छोड़ देंगे, कॉन्स्ट लॉग लॉगिन कंट्रोलर, और टाइपो है यहाँ पर, यह है लोअर केस में, इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन। और नीचे हम क्या करेंगे इसको कॉमा लगा के एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है लॉगिन कंट्रोलर, सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर फंक्शन बन चुका है और साथ ही में नीचे एक्सपोर्ट भी हो गया। अब इसको हमको जो है यूजर राउट के अंदर यूज करना है लॉगिन के अंदर। तो इस लॉगिन राउट के बाद में हम लिखेंगे लॉगिन कंट्रोलर, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली टॉप पर ये इंपोर्ट हो जाएगा। आपके केस में नहीं हो रहा है तो मैन्युअली आप उसको कुछ इस तरीके से इंपोर्ट कर लें। सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस यूजर कंट्रोलर के अंदर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को जो है ना एसिंक कर लेंगे पहले शुरू। तो एसिंक एरो फंक्शन कॉल बैक फंक्शन है, इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करते हैं। और ट्राई कैच ब्लॉक का इसमें भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि अच्छे से हम रिस्पॉन्स और एरर को हैंडल कर पाएं। कैच में सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर और रिस्पॉन्स भी सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम सेंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे सक्सेस कर देंगे फॉल्स, उसके बाद में एक मैसेज। और यहाँ पे मैसेज के अंदर लिख लेता हूँ लॉग इन API, और यहाँ पे हम एरर को एज इट इज पास करा देंगे ताकि कंप्लीट एरर ऑब्जेक्ट भी हमको मिले। अब ट्राई के अंदर हमको क्या करना है, ईमेल और पासवर्ड जो है यूजर से एक्सेस करना है। तो उसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट, अच्छा ये कैपिटल में हो गया, ये है लोअर केस में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। इसमें से हमको चाहिए ईमेल और फिर पासवर्ड। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो है ना फाइंड कर लेंगे यूजर को। तो फाइंड यूजर कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट, फिर यूजर मॉडल, और इसमें हम क्या करेंगे फाइंड वन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो फाइंड वन, और इसमें हम क्या करेंगे ईमेल और फिर पासवर्ड के बेस पर जो है इसको फाइंड करेंगे। फिलहाल के लिए देखिए ईमेल पासवर्ड के बेस पर मैं फाइंड कर रहा हूँ। बाद में हम क्या करेंगे, पासवर्ड को हैश करेंगे ना, तो इसको थोड़ा सा और जो है हम रेक्टिफाई कर लेंगे, यानी थोड़ा बहुत इसको चेंज कर लेंगे। इसके बाद में इसका वैलिडेशन, तो यहाँ पे है वैलिडेशन, इफ नॉट यूजर, अगर ये यूजर नहीं है तब क्या करो, यहीं से जो है ना रिटर्न हो जाओ विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404 कर सकते हैं हम इसको, 404। फिर सेंड फंक्शन, सेंड के अंदर हम क्या करेंगे सक्सेस कर देंगे, फॉल्स मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे कि इनवैलिड यूजर या फिर इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, कुछ इस तरीके से मैंने एक मैसेज यहाँ पर ऐड कर दिया। क्योंकि डायरेक्ट स्पेसिफिक मैसेज हम यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते, वरना फिर सब
साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हमको इश्यू हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखिए यूजर को भी चेक कर लिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, क्योंकि अगर हमको डायरेक्ट यूजर मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, एक सक्सेस का रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200, फिर सेंड फंक्शन। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सक्सेस कर देंगे पहले शुरू, सॉरी ये है सक्सेस, इसको कर देंगे तो मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, लॉग इन सक्सेसफुली, और उसके बाद में जो भी यूजर है उसको एज इट इज यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ, यानी कौन सा यूजर लॉग इन हुआ है। तो इससे हमको आइडिया मिल जाएगा कि परफेक्टली हमारी फंक्शनलिटी काम कर रही है। सेव कर लेते हैं इसको, और वापस से मैं एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ। न्यू टर्मिनल, npm रन सर्वर। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और डेटाबेस से भी यहाँ पर सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है। तो चलते वापस पोस्टमैन में, और एक न्यू टैब हम यहाँ पर बना लेंगे। प्रीवियस वाला टैब मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। मेथड अपना रहेगा पोस्ट, और रजिस्टर के बदले हमारा यूआरएल एंड पॉइंट रहेगा लॉग इन। अगेन हमको बॉडी पर क्लिक करना है, और रॉ डेटा, फिर यहाँ पर जेसन। इसके अंदर अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर ईमेल को पास कराना है, और इसी में से कॉपी कर लेता हूँ मैं प्रीवियस वाले में। देखिए यूजर ईमेल और पासवर्ड जो था ना, इसी को मैं एज इट इज जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी, और इसमें जो है पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम सेंड पर क्लिक करेंगे। तो देखिए परफेक्टली हमको यहाँ पर यूजर मिल रहा है, देख सकते हैं आप, सक्सेस थ्रू लॉग इन सक्सेसफुली, और कंप्लीट यूजर का ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पर देखने में मिल रहा है। आप चाहें तो इसमें से कुछ फील्ड्स को हाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि ये पासवर्ड विजिबल है तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, इस पासवर्ड को पहले शुरू जो है हैश कर लेंगे, और अगर आपको टोकन का कंसेप्ट देखना है तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।